हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे छत्रपति शिवाजी का बॉडी का पार्ट और ज्वेलरी कैसे करना है, और इनका आउटलाइन और फेस का शेडिंग कैसे किया वो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक 1 और लिंक 2 डाल दिया है, सो क्लिक ऑन दैट। सो आज ये पोर्ट्रेट बनाने के लिए मैं नॉर्मल डोम्स 30 रुपीज़ का पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जो कि 12 शेड्स है। सिर्फ 12 शेड्स यूज़ करके मैंने पूरा फेस शेड किया, और ड्रेस का भी अभी करने वाली हूँ। सो लेट्स डू स्टार्ट। ये वाला रेफरेंस पिक मैंने चूज़ किया है। सो सबसे पहले मैंने थोड़ा ब्लू लेके थोड़ा सा शेडिंग कर दिया आईब्रो के उधर, और ब्लैक लेके मैंने पूरा आउटलाइंस किया है, और रेड और येलो यूज़ करके याक का ड्रेस का बॉर्डर मैंने किया है, और ज्वेलरी पार्ट बनाने के लिए मैंने ब्लैक डायरेक्ट यूज़ किया है सर्कल सर्कल करके। ओनली ब्लैक पेंसिल का यूज़ किया है यहाँ पे मैंने। फिर मैंने पूरा आउटलाइंस को एरेज कर दिया, एंड देन मैंने सिर्फ नॉर्मल वाइट पेंसिल लेके इसके अंदर ब्लेंडिंग की है, और नीचे की लाइन में मैंने ब्लू कलर का यूज़ किया है ताकि वो ज्वेलरी का पार्ट ब्लू कलर में दिखे, और हाइलाइट्स करने के लिए मैंने डिटेलिंग नाइफ का यूज़ किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ब्लैक या इसमें ग्रीन कलर का यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने ब्लैक यूज़ किया वहाँ पे मैंने सिर्फ वाइट कलर पेंसिल लेके ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने से वो ऑलरेडी ग्रे कलर में शेडिंग आ गया है, आप देख सकते हो। मैंने ये वाला ज्वेलरी बनाने में ओनली ब्लैक का ज़्यादा यूज़ किया, और वाइट पेंसिल लेके ब्लेंड किया है, और ब्राउन पेंसिल लेके मैंने सब आउटलाइंस दे दिए। पहले ड्रेस का डिज़ाइन करने पैंडल बनाने के लिए मैंने रेड का यूज़ किया, रेड और ब्लैक लेके मैंने स्टोन्स टाइप का डिज़ाइन दिया है। और ड्रेस में जो डिज़ाइन है उसको देख के क्या है, यहाँ पे ग्रीन का यूज़ किया है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ब्राउन कलर का यूज़ किया है यहाँ पे, और ऑरेंज लेके शेडिंग किया, एंड देन येलो लेके पूरा ब्लेंड कर दिया है। सेम यहाँ पे भी वही मेथड यूज़ करूँगी। ब्राउन कलर से मैंने पहले पूरा डिज़ाइन किया है, एंड देन ऑरेंज से शेडिंग करके फिर येलो कलर से मैंने ब्लेंड किया है। यहाँ का पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया नहीं है, सो इस साइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे किया मैंने। पहले मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लेके पूरा डार्क एरियाज को ऑब्जर्व करके डार्क बना दिया है ब्राउन, फिर मैंने जहाँ पे शेडिंग आ रहा था वहाँ पे ब्राउन कलर से लाइटली शेड किया है, और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे मैंने प्रेशर ज़्यादा दिया है, और फिर येलो लेके मैंने पूरा ब्लेंड कर दिया। फिर मैंने नॉर्मल वाइट पेंसिल का यूज़ करके ब्लेंड किया पूरा दो कलर मिक्स करने के लिए, आप देख सकते हो कैसे वो शेडिंग आ गया है। फिर मैं रेड कलर का यूज़ करके उनके ऊपर का ड्रेस का प्रिंट जो है वो बना रही हूँ फ्लावर, फिर ग्रीन का यूज़ किया है, बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने नॉर्मल 4 साइड 1.4 का बॉर्डर दिया 1.4 सेंटीमीटर का, फिर मास्किंग टेप यूज़ करके पूरा कवर कर दिया है बॉर्डर।
अभी बैकग्राउंड बनाने के लिए पहले मैंने पूरे लाइंस को एरेज कर दिया जो ग्रिड हमने ड्रॉ किया था वो, एंड यहाँ पे मैंने ब्लू और वायलेट कलर का यूज़ करके बैकग्राउंड किया, और यही पेंसिल यूज़ किया मैंने। यहाँ पे कुछ भी ऑयल पेस्टर और कुछ भी यूज़ नहीं किया दूसरा। पहले मैंने ब्लू का किया है, ब्लू का शेडिंग दिया है, एंड देन उसके ऊपर मैंने वायलेट कलर का लेके शेडिंग किया है। वापस मैंने ब्लू कलर लेके थोड़ा शेडिंग किया, एंड देन वाइट पेंसिल का लेके मैंने पूरा ब्लेंड कर दिया है। बैकग्राउंड अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है, और जहाँ पे बीच में पैचेस दिख रहा है वहाँ पे मैंने ईयरबड का यूज़ किया है वो रिमूव करने के लिए। और ऐसे ही ड्राइंग इंटरेस्टिंग ड्राइंग वीडियोस के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इसे मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए फिक्सिटिव का यूज़ किया है, फिक्सिटिव स्प्रे का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।